नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके ऊपर। तो उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, आज का वीडियो में भी गिवअवे रखा हुआ है। टोटल गिवअवे जो है आज का वीडियो का टोटल 101 रुपये का है। 101 रुपये का गिवअवे आपको विन करने के लिए मैं एक सवाल पूछूंगा, वो एक सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप विन कर सकते हो फैंटेसी विनर की तरफ से 101 रुपये का इनाम। लेकिन गिवअवे में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको दो चीज़ करना पड़ेगा, एक तो है वीडियो को लाइक और दूसरा है चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप ये दो चीज को कंप्लीट करके ये चीज मतलब गिवअवे में पार्टिसिपेट करते हो तभी आपको गिवअवे का पार्टिसिपेटर कहा जाएगा। और अगर आप वीडियो को लाइक ना करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसा कुछ करते हो तो आपको गिवअवे का पार्टिसिपेटर नहीं कहा जाएगा। तो गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले आपको देखने को मुझे वेन्यू कहां पर होने वाला है। वेन्यू होने वाला है होलकर स्टेडियम इंदौर, यानी कि यह मैच जो है इंदौर पर होने वाला है। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो एवरेज स्कोर जो है 275 से लेकर 300 के आसपास जो है आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। पिच कंडीशन की अगर बात करेंगे तो पिच कंडीशन ओवरऑल बैलेंस होने वाला है और इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट ने विन किया 60% टाइम एंड बॉलिंग फर्स्ट ने विन किया 40% टाइम। तो कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट का पल्ला आपको यहां पर भारी देखने को मिलेगा और जो भी टीम पहले टॉस जीतेगा वो बैटिंग करने का सिद्धांत लेगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूं, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगा उन लोगों का बॉलिंग चलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो भी लोग बॉलिंग करता है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में जो भी लोग बैटिंग करता है, मान के चलो इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो इंडिया बैटिंग करने के बाद बॉलिंग करेगा। जब इंडिया बॉलिंग करने जाएगा बैटिंग में तो फेवर मिलेगा ही, उसके साथ साथ जब बॉलिंग करने जाएगा तब भी अच्छा खासा फेवर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करने का सिद्धांत लेने वाला है। फर्स्ट गेंदबाजों ने टोटल विकेट निकाला 37 विकेट एंड स्पिनर ने निकाला 31 विकेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्पिनर का पल्ला भारी देखने को मिल जाएगा। स्पिनर टोटल 20 ओवर डालता है और फर्स्ट गेंदबाज टोटल 30 ओवर डालता है। 30 ओवर में 37 विकेट निकाला किसने? फर्स्ट गेंदबाजों ने। और स्पिनर ने निकाला 20 ओवर में 31 विकेट। भले लास्ट 10 मैच का बता रहा हूँ, 20 ओवर में भाई एक टीम में भाई 31 विकेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक इस मैच में तो उसी वजह से लास्ट 10 मैचों का मैं स्टैट्स बता रहा हूँ। टाइम जो होने वाला है, टाइम दोपहर का 1:30 में होने वाला है। लाइन अप जो है आपको 1:05 में, सॉरी टॉस आपको 1:05 में देखने को मिल जाएगा और लाइन अप जो है 1:05 में देखने को, सॉरी 10 मिनट में देखने को मिल जाएगा। तो फुल एंड फाइनल टीम के लिए जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पोस्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। तो देर ना करते फटाफट जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फुल एंड फाइनल जो टीम है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो चीज़ आप लोगों को आज तक नहीं दिया गया आज मैं वो चीज़ देने वाला हूँ, और वो क्या है अभी आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। प्लेयर बैटल, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, पूरा चीज़ आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। भले ही मैं ब्लर हो जाऊँगा लेकिन आपको जो भी रिकॉर्ड है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग स्क्रीन पर जाएंगे आपको पहले देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का इस वेन्यू पर एक भी मैच नहीं हुआ है तो उसी वजह से न्यूजीलैंड का एक भी आपको वेन्यू रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। डेविड कॉनवे 5 मैच पर 79 रन किया और एवरेज जो है 52 का है, क्योंकि नॉट आउट रहा है 5 बारी, तो इसी वजह से इसका एवरेज बढ़ गया है। यह किसके अगेंस्ट में है? इंडिया के अगेंस्ट में। फिन एलन का जो है 5 मैच पर 119 रन है, 35 का एवरेज है। किसके अगेंस्ट में? इंडिया के अगेंस्ट में। तो खास इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है फिन एलन, ये चीज़ ध्यान रखना। टॉम लथम की अगर बात करें तो 22 मैच पर 871 रन एवरेज जो है 60 का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉम लथम जो है आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मिचेल ब्रेसवेल। ब्रेसवेल की अगर बात करेंगे तो 3 मैच पर 162 रन है और 0 विकेट निकाला है। तो ब्रेसवेल का जो है परफॉर्मेंस उतना खास कुछ बेहतर है नहीं, और लास्ट मैच पर मतलब पहला ओडीआई के मैच पर ही ब्रेसवेल ने 140 रन बनाया था। तो कहीं ना कहीं खास इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है। ग्लेन फिलिप्स की अगर बात करेंगे तो 5 मैच पर 47 रन है, तो ग्लेन फिलिप्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है। मिचेल सैटनर की अगर बात करेंगे तो 19 मैच में 98 रन और 13 विकेट, ये भी खास इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है हेड टू हेड के अगेंस्ट में। आइसोदी 6 मैच पर 5 विकेट, आइसोदी नहीं खेल रहा है तो आइसोदी को छोड़ते हैं। ब्रेसवेल भी नहीं खेल रहा है तो इसको भी छोड़ते हैं। लॉकी फर्गसन की अगर बात करेंगे तो लॉकी फर्गसन ने 9 मैच पर 9 विकेट निकाला है, लेकिन यहाँ पर लॉकी फर्गसन जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस ही देखते हुए मिल जाएगा। और आपको फिर देखने को मिल जाएगा हेनरी निकॉल्स, जो कि 14 मैच पर 414 रन है और एवरेज जो है 38 का है। तो कहीं ना कहीं एच निकॉल्स जो है आपके लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बन जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे इंडिया की तरफ से बात करने के लिए, और इंडिया की तरफ से बात करने से पहले बताना चाहूँगा आपको भी अगर अपना लॉस कवर करना है तो जरूर से जरूर माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। माई मास्टर 11 एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पोस्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है।
क्योंकि माई मास्टर 11 पर चलता है 100% बोनस यूजेबल कॉन्टेस्ट फ्री गिव अवे लो कंपटीशन लो एंट्री फीस हर डिपॉजिट पर आपको एक्स्ट्रा रियल कैश उसके साथ साथ बोनस जो कि 100% यूजेबल है। तो आपको भी अगर 100% बोनस यूजेबल करना है तो देर ना करते हो फटाफट जाओ और माई मास्टर 11 को डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। और हाँ और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप माई मास्टर को डाउनलोड करते हो तो जरूर से जरूर रेफर कोड यूज़ कर लेना क्योंकि रेफर कोड यूज़ करने से आपको मिल जाएगा 200 रुपये का कैश बोनस जो कि आप 100% यूज़ कर सकते हो। आगे हम लोग चलेंगे और हम लोग जो है किसके तरफ से इंडिया की तरफ से बात कर लेते हैं। तो इंडिया की तरफ से आपको पहले ही देखने को मिलेगा रोहित शर्मा 26 मैच में 788 रन और एवरेज जो है 40 का है, खास बेहतर है नहीं अगेंस्ट में। और भेनू की बात करेंगे तो 2 मैच पर 74 रन एवरेज जो है 37 का है, यानी कि ड्रीम टीम का हिस्सा तो बन सकता है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टेंसी के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। फिर आपको देखना होगा विराट कोहली का हेड टू हेड में देखेंगे तो 58 का एवरेज है, 28 मैच में 1387 रन 58 का एवरेज है लेकिन 2 मैच में 40 रन किया है इसी वेन्यू पर और एवरेज जो है 20 का है। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर विराट कोहली हम लोगों के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक नहीं बनेगा। हार्दिक पांड्या की अगर बात करेंगे तो 13 मैच पर 210 रन एवरेज 24 का और 14 का विकेट निकाला है, यानी कि 14 विकेट निकाला हेड टू हेड में यानी कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। तो हार्दिक पांड्या मेरे लिए ऐसे ड्रीम टीम का ड्रीम टीम का हिस्सा तो बन सकता है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन से मैं अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा। लेकिन जैसे आप भेनू के रिकॉर्ड में चले जाएंगे तो 1 मैच पर 78 रन किया है एवरेज जो 78 का है और साथ में 1 विकेट निकाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हार्दिक पांड्या अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बनते हुए देखने को मिल जाएगा। फिर आपको देखने को जब मोहम्मद शमी 12 मैच पर 25 विकेट हेड टू हेड रिकॉर्ड में और भेनू में कोई मैच नहीं है तो 12 मैच पर 25 विकेट यानी कि हर मैच पर 2 विकेट लगभग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोहम्मद शमी हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बन जाएगा। कुलदीप यादव 8 मैच पर 14 विकेट और 1 मैच पर 2 विकेट भेनू में, चलो ठीक ठाक है टीम में शामिल कर सकते हो। हेमंदर चहल की अगर बात करेंगे तो 14 मैच पर 20 विकेट और 1 मैच पर 1 विकेट भेनू में, यानी कि इस भेनू में हेमंदर चहल ने एक ही मैच खेला है। सरदल ठाकुर 6 मैच पर 8 विकेट उतना खास बेहतर होता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग टीम में शामिल कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे स्क्रीन पर आएंगे हम लोग पहले ही न्यूजीलैंड की तरफ से बात करेंगे। तो न्यूजीलैंड की तरफ से क्या क्या बात करने वाले, कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कौन सा प्लेयर नहीं चलने वाला है उस हिसाब से और प्रिडिक्शन क्या कहता है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से आपको पहले देखना होगा फिन एलन 40-0, जैसे कि आपने देखा 38 का एवरेज है तो मैं इस वजह से फिन एलन को ट्राई नहीं करने वाला। डेविड कोनोई की अगर बात करेंगे तो 10-7, डेविड कोनोई का जो एवरेज है वो बढ़िया है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं डेविड कोनोई को मैं ट्राई कर सकता हूँ। एज निकोल्स की अगर बात करेंगे तो 18-2, भले लास्ट रिसेंट स्कोर में अच्छा खासा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको सिलेक्शन भी बहुत ही कम है लेकिन निकोल्स जो है इसका एवरेज जो है 48 का है होप सो इंडिया के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं निकोल्स हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बन जाएगा। डी मिचेल की बात करेंगे तो 19 के साथ 2 विकेट 1 के साथ बॉलिंग नहीं किया, डी मिचेल एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बनेगा हम लोगों के लिए तो टीम में डी मिचेल को जरूर से जरूर ट्राई करके चलना। टॉम लथम 24-1, और टॉम लथम का भी बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया लेकिन टॉम लथम का अगर स्टार्स देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्टार्स है किसके अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं टॉम लथम हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बन जाएगा। ग्लेन फिलिप्स 11-36, ग्लेन फिलिप्स का स्कोर अच्छा नहीं है इंडिया के अगेंस्ट में तो मैं ट्राई नहीं करने वाला। ब्रेसवेल 140 के साथ 0, 22 के साथ 0, ये प्लेयर जो है इंडिया के अगेंस्ट में खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, टोटली 4 या 5 मैच खेला है तो उस वजह से मैं ब्रेसवेल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। सैटनर की अगर बात करेंगे तो 57 के साथ 1 विकेट 27 के साथ 1 विकेट, सैटनर एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बन सकता है हम लोगों के लिए तो सैटनर को हम लोग टीम में शामिल कर सकते हैं। सिपली 2 विकेट 1 विकेट, सिपली थोड़ा पेसर है और स्विंग कर सकता है तो टीम में ले सकते हैं, वो पिच रिपोर्ट के अनुसार बताएंगे। लॉकी फर्गसन 1 विकेट 0 विकेट, लॉकी फर्गसन का 8 मैच में 8 विकेट, तो अभी तो न्यूजीलैंड की तरफ से कोई बॉलर अच्छा निकल नहीं रहा है, सिर्फ लॉकी फर्गसन को छोड़कर तो लेना ही पड़ेगा। टिकनर 2 विकेट 0 विकेट, टिकनर बढ़िया प्लेयर है लेकिन भाई बॉल में स्विंग नहीं है, थोड़ा फर्स्ट डालता है लाइक किसकी तरह बताएं, सदल ठाकुर में भी स्विंग है, कोई भी पकड़ लो ठीक है, लेकिन अच्छा बॉलर है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर अच्छा डाल लेता है लेकिन उतना खास कुछ स्विंग बुइंग नहीं है हाथ में, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसी वजह से मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। अभी हम लोग इंडिया की तरफ से बात करेंगे और इंडिया की तरफ से बात करने से पहले बताना चाहूँगा चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं आगे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इंडिया की तरफ से बात कर लेते हैं। इंडिया की तरफ से आपको पहले देखना रोहित शर्मा 34-51, एवरेज कुछ खास नहीं है, 40 का एवरेज है और 37 का एवरेज है तो टीम में ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन से नहीं। शुभमन गिल 248-40, भाई प्लेयर का फॉर्म तो रिसेंट में बहुत ही बढ़िया चल रहा है लेकिन इसका बैटल नहीं मिला और भेनू भी नहीं मिला तो उसी वजह से टीम में तो लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि रिसेंट फॉर्म अच्छा है।
विराट कोहली की बात करें तो 8-11। विराट कोहली थोड़ा सा रिस्की के अंदर जा रहा है क्योंकि विराट कोहली का हेड टू हेड जो परफॉर्मेंस है बढ़िया है, लेकिन भेनू स्कोर अच्छा नहीं है, यानी कि 2 मैच पर 40 रन किया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउट फील कर रहा हूँ क्योंकि लगातार 3 साल जो है फॉर्म पर नहीं था, अभी फॉर्म पर वापस आया है, तो क्या पता कल का मैच में, यानी कि आज का मैच में भी 100 मार दे। ईशान किशन 5-8। ईशान किशन का परफॉर्मेंस जो है एक्चुअली ओपनिंग में अच्छा खेल जाता है, लेकिन टू डाउन पर देने के बाद होप सो अच्छा नहीं खेल पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। सूर्य कुमार यादव 4-31। सूर्य कुमार यादव प्लेयर बढ़िया है, मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, इससे अभी के लिए एक यूथ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन एज ए ऑन डे का मैच के हिसाब से सूर्य कुमार यादव मुझे कुछ सही नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं सूर्य कुमार यादव को छोड़कर जाने वाला हूँ। हार्दिक पांड्या 28 के साथ 1 विकेट, बैटिंग का मौका नहीं मिला 2 विकेट। हार्दिक पांड्या का भेनू जैसे कि मैंने बताया 78 रन का पारी था और उसके साथ साथ 1 विकेट निकाला, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में भले 24 का एवरेज है लेकिन विकेट जो हर मैच में एक एक करके निकल कर लेकर गया है, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बन जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर 12 के साथ 0 विकेट, बैटिंग का मौका नहीं मिला 2 विकेट। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो हम लोग वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई नहीं करेंगे, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो हम लोग जो है वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई करके चलेंगे। सरदार ठाकुर 2 विकेट 1 विकेट टीम में शामिल करके रखेंगे, अभी टोटली डिपेंडेड है कि पिच कंडीशन क्या है। कुलदीप यादव 2 विकेट 1 विकेट। कुलदीप यादव बहुत ही बढ़िया प्लेयर है एज ए स्पिनर, और पिच भी स्पिनर को फेवर करता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग जो है कुलदीप यादव को लेकर चलेंगे। मोहम्मद शमी की अगर बात करेंगे तो 1 विकेट 3 विकेट बढ़िया प्लेयर है, मैंने कि जैसे कि बताया था लास्ट मैच पर कि मोहम्मद शमी रिस्की प्लेयर होगा लेकिन अच्छा पॉइंट देकर जाएगा, जो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा था उन लोगों ने अच्छा खासा खेला है, लेकिन अभी नेक्स्ट मैच के लिए मोहम्मद शमी के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये टोटली डिपेंडेड है पिच कंडीशन के ऊपर। मोहम्मद सिराज का भी सेम ही है 4 विकेट 1 विकेट, इसका भी सेम ही है मोहम्मद शमी की तरह, कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो फाइनल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा फाइनल पिच रिपोर्ट देखने के बाद। अभी गिवअवे के बारे में बात कर लेते हैं, गिवअवे क्या है, गिवअवे जो है ड्रीम टीम का वाइस कैप्टन से कौन बनेगा, डीटीवीसी कौन, ड्रीम टीम का वाइस कैप्टनसी कौन, ड्रीम टीम का वाइस कैप्टन कौन, जो भी सही जवाब देगा उसको मिल जाएगा फैंटेसी विनर की तरफ से 101 रुपये का इनाम, और ये अगर आपको जीतना है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करके जो भी आंसर होगा आपके हिसाब से जो अच्छा खेलेगा वाइस कैप्टनसी के हिसाब से उसका नाम आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन पर देकर जाना पड़ेगा। अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको मिल जाएगा फैंटेसी विनर की तरफ से 101 रुपये का गिवअवे। अभी हम लोग टोटल टीम कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे, तीन टीम कॉम्बिनेशन जिसमें से 2 रहेगा स्मॉल ग्रैंड लीग का और 1 रहेगा स्मॉल लीग का, तो देर ना करते पहले जो है हम लोग स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे। स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन पर हम लोग का फर्स्ट जो पिक होगा विकेट कीपिंग सेक्शन के लिए वो होगा टी लथम, ठीक है। अभी बचा हम लोगों के पास चार बैटिंग सेक्शन में हम लोगों का पहला जो लेंगे इंडिया की तरफ से चले जाएंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड विराट कोहली, ये तीनों बैट्समैन को एक लाइन में ले लेंगे। ये रहा अपना रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, ठीक है, तीनों को ले लिया। अभी लास्ट एक ऑप्शन बचा है, लास्ट एक ऑप्शन में हम लोग किसको ट्राई करने वाला है, लास्ट एक ऑप्शन में मेरा हिसाब से और मेरा प्रेडिक्शन के अनुसार मैं यहाँ पर जो है डी कॉनवे को ट्राई कर लेंगे, डी कॉनवे, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पर एच निकोल्स को ट्राई कर सकते हो, जो लोग रिस्क लेना चाहते हो वो लोग एच निकोल्स को ट्राई कर लेना, और जो लोग सेफ जाना चाहते हो वो लोग डेविड कॉनवे को ले लेना, ठीक है। ये डेविड कॉनवे सेफ है एंड एच निकोल्स रिस्की है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को आप इसमें स्मॉल लीग में ले लेना, आपको जो मर्जी हो यहाँ पर, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो कॉनवे को ले लो, आप अगर रिस्की जाना चाहते हो तो एच निकोल्स को ले लो। अभी बचा दो ऑलराउंडर में हम लोगों का एक फिक्स है जो कि हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या। अभी लास्ट एक ऑलराउंडर बचा है, ये जो ऑलराउंडर है यहाँ पर हम लोग किसको ले, डी मिचेल को ले कि मिचेल सटनर को ले, इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा, तो हम लोग जो है डी मिचेल के साथ जाना पसंद करेंगे, डी मिचेल, ठीक है। अगर मान के चलो कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो हम लोग डी मिचेल के साथ जाएंगे, और अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करता है तो हम लोग मिचेल सटनर के साथ जाएंगे, ठीक है, मिचेल सटनर। अगर न्यूजीलैंड, बात को समझो पहले, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर न्यूजीलैंड टीम सेम है, ठीक है, यहाँ पर सर कंडीशन दे रहा हूँ, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है, ठीक है, तो हम लोग डी मिचेल के साथ जाएंगे, और अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करता है तो हम लोग मिचेल सटनर के साथ जाएंगे। समझ में आया ना ये चीज़, तो ये चीज़ थोड़ा सा नोट करके रखना ताकि आपको भी टीम बनाने में आसानी हो, या तो फिर आपके पास अभी कोई कॉपी है और पेन है तो लिख कर रख लो कि किसको कब ट्राई करना है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। अभी बचे हम लोगों के पास चार बॉलिंग सेक्शन में हम लोगों का पहला जो बॉलर होगा वो होगा लॉकी फर्गसन, ठीक है, लॉकी फर्गसन। अभी बचे हम लोगों के पास तीन बॉलिंग सेक्शन में पहला हम लोग ले लेंगे
कुलदीप यादव, और दूसरा जो हम लोग लेंगे यहाँ से मोहम्मद शमी लास्ट मैच पर खेल लिया, इस बार जो हम लोग सरदार ठाकुर को ले लेंगे। ये रहा सरदार ठाकुर, ठीक है। सरदार ठाकुर इस मैच के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है, तो मैं सरदार ठाकुर को ट्राई करना पसंद करूंगा। तो ये हो गया अपना टीम कॉम्बिनेशन। अभी जो लास्ट वाला ऑप्शन बचा है इसको सीधा विकेट कीपिंग में ट्रांसफर करेंगे, और विकेट कीपिंग में ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर हम लोग ईशान किशन को ले लेंगे। तो ये हो गया अपना पहला हुआ टीम कॉम्बिनेशन। अभी पहला हुआ टीम कॉम्बिनेशन पर हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टनसी किसको दें? कैप्टन के और वाइस कैप्टनसी के लिए एक विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तीनों के तीन, और यहाँ पर एक टॉम लथम, ये चार प्लेयर हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। और अगर कोई प्लेयर सोचता है नहीं भाई मुझे थोड़ा सा यूनिक तरीके से जाना है और रिस्क लेना है, तो वो यहाँ पर हार्दिक पांड्या को आग बंद करके कैप्टन बना दो। जो रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा रिस्क के साथ जाना चाहता है, अनकॉमन बनना चाहता है, तो वो भाई हार्दिक पांड्या को बना सकता है। ये हो गया अपना पहला स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन। अभी जो है हम लोग ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे। ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन पर भी हम लोगों का सेम ही रहेगा, टी लथम, टीम लथम। अभी बचा हम लोगों के पास चार बैटिंग सेक्शन। चार बैटिंग सेक्शन में हम लोगों का इस बार जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं लेंगे। इस बार हम लोग शुभमन गिल, विराट कोहली, शुभमन गिल, और यहाँ पर एच निकॉल्स को ले लेंगे, एच निकॉल्स, ठीक है। अभी भी लास्ट एक ऑप्शन बचा है, इसको हम लोग कहाँ पर फिल करेंगे? इसको हम लोग फिल करेंगे सूर्या के साथ, फिल कर लेंगे। ग्रैंड लीग का टीम है तो सूर्या को ट्राई करना थोड़ा सा यहाँ पर बन जाता है। ये रहा सूर्य कुमार यादव, ठीक है। दो ऑलराउंडर बचा है, दो ऑलराउंडर पर एक पर ले लेंगे हार्दिक पांड्या, और दूसरा जो बचा है दूसरा पर हम लोग ले लेंगे यहाँ से डी मिचेल। अभी बचा हम लोग पास चार बॉलिंग सेक्शन। चार बॉलिंग सेक्शन में पहला हम लोग लेंगे यहाँ से बी टिकनर, दूसरा ले लेंगे कुलदीप यादव, और तीसरा एंड लास्ट जो है यहाँ पर हम लोग ले लेंगे मोहम्मद सिराज। यह जो लास्ट एक ऑप्शन बचा है इसको सीधा ऑलराउंडर में ट्रांसफर करेंगे। ऑलराउंडर ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है बता देता हूँ। टीम सेम रहेगा अगर इन बाय चांस इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो हम लोग यहाँ पर मिचेल सैटनर को लेंगे, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो हम लोग यहाँ से वॉशिंगटन सुंदर को लेंगे, ठीक है। अगर इंडिया पहले बॉलिंग किया तो वॉशिंगटन सुंदर, और इंडिया पहले न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग किया तो मिचेल सैटनर। तो यहाँ पर मिचेल सैटनर, सॉरी ये तो तीसरा बॉल हो गया ना, सॉरी ये रहा मिचेल सैटनर और वॉशिंगटन सुंदर, दोनों में से कोई एक। अगर इंडिया पहले बैटिंग किया तो अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग किया तो मिचेल सैटनर, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग किया तो वॉशिंगटन सुंदर। समझ में आ गया। अभी लास्ट दूसरा एंड लास्ट ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन रेडी कर लेते हैं। दूसरा एंड लास्ट टीम कॉम्बिनेशन पर इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस बार जो है हम लोग यहाँ पर टॉम लथम की जगह ईशान किशन को लेंगे, ठीक है। अभी बचा हम लोगों के पास चार बैटिंग सेक्शन में इस बार रोहित शर्मा को दोनों टीम में ट्राई किया, शुभमन गिल को भी दोनों में ट्राई किया, इस बार भी शुभमन गिल को ट्राई करेंगे। इस बार रोहित शर्मा को नहीं लेंगे, इस बार हम लोग विराट कोहली को ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी बचा हम लोगों के पास दो बैटिंग सेक्शन। ये दो बैटिंग सेक्शन में पहला हम लोग ले लेंगे यहाँ से डेविड कॉनवे, लास्ट जो बचा हुआ है इस पर हम लोग ट्राई कर लेंगे सूर्या को ट्राई कर लें। चलो सूर्या कुमार यादव, ठीक है, सूर्या कुमार यादव। अब बचा दो ऑलराउंडर में पहला हम लोग हार्दिक पांड्या। स्टेट्स पता है, वेनू बैटल पता है कि वेनू बैटल में हार्दिक पांड्या कितना परफॉर्मेंस दिया है, तो उस वजह से हार्दिक पांड्या हम लोगों के लिए फिक्स है। अभी बचा ऑलराउंडर पर हम लोगों के लिए फिर से डी मिचेल। चार बॉलिंग सेक्शन में पहला सरदार ठाकुर, दूसरा लेंगे हम लोग मोहम्मद, लास्ट टीम में सिराज को लिया था, इस बार जो है मोहम्मद शमी। लास्ट बॉलिंग सेक्शन बचा है, यहाँ पर हम लोग एच सिप्ली। टीम कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ। अब जो ये लास्ट वाला सेक्शन बचा है इसको फिर से ऑलराउंडर में ट्रांसफर करेंगे, और ऑलराउंडर में ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर सेम कंडीशन अप्लाई, मिचेल सैटनर या वॉशिंगटन सुंदर, सेम कंडीशन। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग किया तो अपना मिचेल सैटनर, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग किया तो यहाँ पर अपना वॉशिंगटन सुंदर। समझ में आया, ये चीज़ क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर बात करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रिडिक्शन से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या क्वेरी है तो आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है, तो देर ना करते हो फटाफट जाओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इन फ्यूचर अगर आपको प्रिडिक्शन से कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए हम लोग हर रोज की तरह, एक तो रहेगा सेफ, दूसरा रहेगा रिस्की। सेफ के अंदर देखेंगे इंडिया की तरफ से, सॉरी न्यूजीलैंड की तरफ से कौन कौन आने वाला है। सेफ के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से आएगा कॉनवे, मिचेल, लथम और यहाँ से सैटनर, यह चार प्लेयर जो है सेफ में आ जाएगा। रिस्की में आएगा आपका यहाँ पर निकोल्स और कोई नहीं है, एक ही रिस्की है।
अब इंडिया की तरफ से देखेंगे इंडिया में सेफ कौन कौन आने वाला है, रिस्क कौन कौन आने वाला है। इंडिया की तरफ से सेफ में आने वाला है शुभमन गिल, विराट कोहली दो, और उसके साथ आने वाला हार्दिक पांड्या एक, तीन। हार्दिक पांड्या को क्यों मार्क किया पता है? क्योंकि वेन्यू में इसका स्कोर अच्छा है, विकेट भी निकाला है, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को इसी वजह से मैंने लिया। तो हार्दिक पांड्या एक हो गया, विराट कोहली एक हो गया, शुभमन गिल एक हो गया, तीन हो गया टोटल। और उसके साथ अगर कोई है, उसके साथ मुझे कोई नज़र में नहीं आता, तो यहाँ पर तीन। और रिस्की में अगर देखेंगे तो रिस्की में आपको एक तो देखने को मिल जाए रोहित शर्मा, और दूसरे के अगर देखेंगे तो वो रहेगा एक ईशान किशन। तो ये दो प्लेयर रिस्की में आ जाएगा, ये दो, चार और तीन, सात प्लेयर सेफ में, दो और एक तीन प्लेयर रिस्की में। तो टोटल कैप्टन वाइस कैप्टन से कितना दिया, दस। दस में से अगर दस कैप्टन वाइस कैप्टन से आपको रेडी करना है तो कितना टीम बनाना पड़ेगा? अगर आप पांच टीम रेडी करते हो तो ये दस कैप्टन वाइस कैप्टन से आपका पांच टीमों के अंदर आ जाएगा। तो बाकी कितना, यहां पर मैंने ऑलरेडी दो टीम आपको ग्रैंड लीग का प्रोवाइड कर दिया पांच में से, और बाकी कितना टीम रहा, तीन। ये जो तीन ग्रैंड लीग का टीम है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पोस्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।